हाय, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे किचन में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बना रहे हैं क्रेमलाइज खीर। क्रेमलाइज खीर बनाने के लिए हमने यहाँ सामग्री लिया है और फटाफट बिना मिल्क मेड का हम बनाएंगे, और उतना ही गाढ़ा, उतना ही थिक और बहुत ही बढ़िया उम्दा स्वाद में। आइए घर पर बनाना शुरू करते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली 1 लीटर दूध लिया है, दूध उबाला हुआ नहीं है, कच्चा दूध है। और हमने यहाँ पे ये देख सकते हैं 1 कप हमने यहाँ पे चावल लिया है लगभग, यहाँ ये देखिए 60 ml है। तो इस चावल को मैंने पहले से ही भिंगो के 1/2 घंटा रखा हुआ है, और चावल अच्छे तरह से भिंग गया है, फूल गया है। और हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम चीनी, तो इसे भी हम यहाँ पे साइड में रख लेंगे। और हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसमें हमारे पास यहाँ पे नारियल है, काजू है, मुनक्का है, और यहाँ पे हमारे पास बादाम है जिसे हमने कटिंग करके रखा हुआ है। तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो चुका है, हमने यहाँ पे लेनी है 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी हमने डाल दिया है, इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे रखा हुआ सारा ड्राई फ्रूट्स। इसे हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, हल्का सा रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो फटाफट रोस्ट कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा बहुत ही अच्छा उम्दा स्वाद आता है खीर में। जब भी आप खीर बनाएं थोड़ा रोस्ट करके डालें, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, और रोस्ट करने के बाद थोड़ा ज़्यादा ही अलग सा स्वाद आता है। तो इसे हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, थोड़ा सा ये रोस्ट हो गया है, अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और एक यहाँ पे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस को हमने मीडियम कर लिया है यहाँ पे, और ये बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। फिर से हम थोड़ा सा लगभग 1/2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि पहले से इसमें घी है। और यहाँ पे हमने जो चावल भिगो के रखा था, उसने चावल को हमने अच्छे से कॉटन कपड़ा से साफ कर लिया है, इसका पानी हमने निकाल दिया है। इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, घी थोड़ा हम इसके साथ मेल्ट हो जाए और हल्का सा ड्राई हो जाए, इतना ही भूनना है। तो फटाफट हम इसे 1 से 2 मिनट यहाँ पे भून लेंगे। इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका नमी हट जाए। यहाँ पे हमने गैस को ऑफ कर लिया है, चावल भी रोस्ट हो गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसे इस प्लेट में हम डाल लेते हैं, और इसी में हम दूध उबालने के लिए बिठा लेंगे। कढ़ाई को हमने फिर से बिठा लिया है, अब यहाँ पे हम दूध ऐड कर लेंगे। यहाँ हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले से ही इसमें घी डाला है, इसलिए वो चिकना है। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध ऐड कर लिया है। यहाँ पे हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और इसमें अच्छा उबाल आने देते हैं, चलाते हुए घुमाते हुए इसे उबाल लेंगे। तो यहाँ पे जब तक दूध उबल के आएगा ऊपर, तब तक यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स जो है हमने रोस्ट किया है, उसमें से हमने थोड़ा सा ले लिया है, 1 से 2 चम्मच होंगे ये हमें ले लिया है। इसमें हम 2 चम्मच चावल डाल लेंगे, ये थोड़ा सा थिकनेस के लिए होगा। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा दूध, इसको हम थोड़ा फूलने देते हैं और मिक्सी में इसको ब्लेंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। और यहाँ हम दूध को अच्छे से उबाल लेते हैं। यहाँ देखिए दूध में बहुत ही अच्छे से उबाल आ गया है, दूध हमारा उबल रहा है। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे चावल, चावल को डाल के अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे हम जो चावल लिए थे रोस्ट किए हुए, इसे हम डाल देंगे। इसमें चावल चिपका हुआ है, इसे हम इसके अंदर ही डाल लेते हैं। और इसे चलाते हुए पका लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत ही अच्छे से दूध में उबाल आ गया है, चावल पक रहा है। चावल अभी
अभी फुला फुला सा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हम डाल देंगे इलायची को, हमने अच्छे से क्रश कर लिया है, तो लगभग एक चम्मच इलायची यहाँ पे क्रश करके डाल दें। आप चाहे तो यहाँ पे पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अभी कूट के डाला है, और इसमें हम डाल देंगे 2 से 3 तेज़पत्ता, इससे स्वाद और अच्छा आता है। और इसे हम अच्छे तरीके से पकने देंगे। जैसे ये चावल यहाँ पे फूल गया है, तो इसी के साथ हमने जो यहाँ पे चावल काजू और चावल का पेस्ट बनाया था ना ड्राई फ्रूट्स का, उसे हम इसी में ऐड कर लेंगे। इससे थोड़ा थिकनेस आ जाएगा, कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सिल्की सा खीर बन के रेडी होगा। इसे हम इसी तरीके से अच्छे से इसे निकाल लेंगे और इसे हम चलाते हुए पका लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे केसर भी यूज कर सकते हैं। फटाफट हम इसे और थोड़ा थिकनेस करते हैं। यहाँ पे हमारा दूध जो है बहुत अच्छे से थिक हो गया है, खीर हमारा बहुत बढ़िया से पक गया है, कलर भी आप में भी आपको फ़र्क दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसे थोड़ा और गाढ़ा करने देंगे, इसे हम दूसरे चूल्हा पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और चीनी को क्रेमलाइज़ कर लेंगे, क्योंकि अब शक्कर डालने का टाइम हो चुका है। देखिए बहुत ही थिक और बहुत ही गाढ़ा बन के खीर रेडी हो गया है, तो इसे हम दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफ़र करेंगे। जब तक खीर गाढ़ा होगा तब तक हम यहाँ पैन लिए हैं, पैन को यहाँ रख देते हैं और इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी हम ये डाल देंगे, आप मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर लेंगे, और इसे भी हम अच्छे से चलाते हुए थोड़ा चीनी को घुलने देंगे। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से घुलने देंगे, ये देखिए, और चलाते रहेंगे, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा। हमें इस फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं रखना है, मीडियम टू हाई रखना है, बिल्कुल हाई भी नहीं करना है। तो इसे हम चलाते हुए इसे कैरमलाइज कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इसका कलर आप चेंज होते हुए देख रहे होंगे, बहुत थोड़ा सा मैं थोड़ा सा और इसे डार्क करूँगी, फ्लेम को बिल्कुल लो ना करें, नहीं तो ये जमने लगता है। देखिए कलर बिल्कुल मस्त आ गया है, ज़्यादा भी नहीं करना है क्योंकि ये कड़वा लगने लगता है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे, यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, थोड़े थोड़े से हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालते हुए ध्यान रखना है, नहीं तो ये बहुत तेज़ी से छींटे आते हैं इसके ऊपर से, थोड़ा थोड़ा पानी। यहाँ देखिए ये हमारा और अब हम इसे खीर में ऐड कर लेंगे। इसे खीर में डालते हुए चला लेंगे। इससे हमारा खीर का कलर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब हमारा ये कैरमलाइज वाला खीर बनके रेडी हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बिल्कुल रबड़ी जैसा बनके खीर रेडी है। तो चलिए फटाफट हम इसे सर्व करते हैं, इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स को भी इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और अब सर्व कर लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया बिल्कुल थिक सा खीर बन के रेडी है, ये देखिए। तो लीजिए हमने यहाँ खीर बना के रेडी कर दिया है, फटाफट ये घर में ज़रूर बनाए, बहुत ही गाढ़ा बहुत ही बढ़िया सा खीर बन के रेडी हो गया है। तो इसे बनाएं, इस रेसिपी को खाएं और अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।